सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है द बी स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहला न्यूज आ रहा है वो है एजिन टॉम को लेकर। सो एजिन टॉम एक इंडियन प्लेयर है, ये कोई फॉरेन प्लेयर नहीं है, और ये एक्चुअली चर्चिल ब्रदर्स का एक प्लेयर है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इस साल बहुत ही अच्छा फॉर्म रहा है एजिन टॉम का। सो इस प्लेयर को खरीदना चाहते हैं केरला वर्सेस और मुंबई सिटी से, दोनों ही ट्राई कर रहे हैं कि वो एजिन टॉम को अपनी टीम में ले सके। तो देखना पड़ेगा कि कौन ले पाता है एजिन टॉम को अपने टीम में। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है इशफाक अहमद को लेकर। सो इशफाक अहमद जो लास्ट सीजन केरला वर्सेस का असिस्टेंट मैनेजर था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है केरला वास्टर ने, और इस साल भी इशफाक अहमद ही रहेंगे केरला वास्टर के असिस्टेंट मैनेजर। सो वो अच्छे अच्छे असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। सो मुझे लगता है अभी के लिए तो वो और काफ़ी टाइम तक केरला वास्टर में ही रहेंगे एज असिस्टेंट मैनेजर। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है रुइवा हॉर्मिपा को लेके। सो ये एक इंडियन आयर्स का प्लेयर है, 18 साल इसका एज है, और इस प्लेयर को खरीदना चाहते हैं केरला वर्सेस। मुंबई सीरीज भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा है कि वो खरीद सके, बट ज्यादा जो टीम ट्राई कर रहा है इस प्लेयर को खरीदने का वो है केरला वर्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि वो भी को ना यंग प्लेयर्स को चांस देना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए शायद रुइवा हॉर्मिपा को खरीदना चाहते हैं केरला वर्सेस। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है संदेश झिंगन को लेके। सो जो करंट जो रिवर्स का लिस्ट निकल के आया उसमें एक और नाम जुड़ चुका है, वो है उड़ीसा FC। सो उड़ीसा FC ने भी ऑफर किया है संदेश झिंगन को, और हमको यही देखना पड़ेगा कि उड़ीसा FC कितना सक्सीड कर पाता है, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू बाई संदेश झिंगन, क्योंकि एटीके मोहन बागान, मुंबई सिटी FC, FC गोवा, ये तीन बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं, और ये तीनों ही क्लब्स खरीदना चाहते हैं संदेश झिंगन को। बट देखना पड़ेगा कि कौन खरीदेगा। सो उड़ीसा FC ने भी ऑफर किया संदेश झिंगन को, जो कि हम लोग फ्यूचर में जानेंगे कि संदेश झिंगन उड़ीसा FC के होके खेलेंगे या नहीं, बट अभी के लिए तो चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है पॉनी वास को लेके। सो मैंने बहुत दिनों पहले बोला था कि पॉनी वास एटीके मोहन बगान में आ सकता है, बट फाइनली पॉनी वास ने साइन करवा लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को होके, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ खेलेंगे नेक्स्ट सीजन। सो अच्छा प्लेयर है, यंग प्लेयर है चर्चिल ब्रदर्स का। सो गुड डील फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है सैमुअल लालमुआन पिया पुआ को लेके। सो सैमुअल लालमुआन पिया एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था केरला वास्टर का, बट अभी वो उड़ीसा FC में जा चुका है और ऑफिशियली डील हो चुका है उड़ीसा FC के साथ। सो जो कि बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उड़ीसा FC भी बहुत अच्छा क्लब है, और इस साल वो उतना अच्छा फॉर्म था नहीं, उतना अच्छा खेला नहीं था, बट हाँ काफी अच्छा खेला था, मैं बोलूंगा नहीं एकदम बुरा खेला था, बट उड़ीसा FC नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छा एक टीम बनाने का कोशिश कर रहा है यंग प्लेयर्स के साथ, जो कि देखना पड़ेगा कि वो लोग कितना सक्सीड कर पाते। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो रहा है लालीगा को लेके। सो लालीगा 8 जून को रिटर्न कर रहा है, और 8 जून से हम लोग देख पाएंगे लालीगा, बिल्कुल हाँ लालीगा रिटर्न कर रहे हैं, रियल मैड्रिड बार्सिलोना हम लोग खेलते हुए देख पाए बहुत दिनों बाद। सो बस गाइस, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है कि संदेश झिंगन कौन से टीम में जाएंगे, और कोई भी कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।